CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी आलेख मोनी राव का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो लो दोस्तों, मदारी आ रहा है और तुम जोर से ताली बजाओ। बच्चों के खेल, सच्चों के खेल, खेल 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 सच्चे बच्चों के खेल। मदारी भैया, देखो तुम्हारी पिटारी में क्या है। ना 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 ना, मेरी पिटारी मत छूना। क्यों, रोज तो छूने देते हैं। क्योंकि आज इसमें एक गधा है। लो सुनो। जरूर कोई जादू किया है तुमने, इतनी छोटी पिटारी में इतना बड़ा गधा कैसे आ गया। ये गधा आज बहुत दुखी है, सुनोगी इसकी कहानी। और क्या, इसीलिए तो दौड़ती भागती आई हूँ। अच्छा तो सुनो गधे की कहानी। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वो कपड़े लाद कर ले जाता था। तो एक दिन धोबी अपने बेटे के साथ बाजार जा रहा था। बेटे ने कहा, बापू गधे को भी ले चलते हैं, सामान ज्यादा होगा तो गधे की पीठ पर रख लाएंगे। धोबी मान गया। अब बाप बेटे चले बाजार को। कुछ दूर चलने के बाद धोबी ने बेटे से कहा, बेटा तू थक गया होगा, गधे पर क्यों नहीं बैठ जाता। गधा जब साथ में है तो तू पैदल क्यों चले, इसकी क्या जरूरत है। लड़का झट गधे पर सवार हो गया। और कुछ ही दूर चले थे के दो चार आदमी सड़क पर जाते मिले। वो हंसते हुए बोले, देखो भाई देखो, देखो तमाशा, जवान बेटा तो गधे पर सवार है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल जा रहा है। अरे वाह रे वाह, क्या जमाना आ गया। लड़का उतर गया। हाँ, लड़के को बड़ी शर्म आई। उसने कहा, तुम बैठ जाओ बापू, लोग हंसते हैं। बेटा उतर गया, धोबी खुद गधे पर सवार हो गया। वो कुछ ही दूर गए थे के कुछ आदमी सड़क पर मिले और धोबी को देखकर हंसने लगे। जोर जोर से कहने लगे, देखो भाई देखो, कैसा बाप है, कैसा बाप है। अरे देखो तो सही, खुद तो मजे से गधे पर बैठा है और बेचारे लड़के को पैदल चला रहा है। इसको लड़के पर तरस भी नहीं आता। ये सुनकर धोबी को बड़ी शर्म आई। वो झट गधे से उतर पड़ा और बोला, अरे भाई
लोग हंसते हैं, मैं नहीं बैठूंगा, तू ही बैठ जा। बेटा बोला, मैं नहीं बैठूंगा, मेरे ऊपर भी तो लोग हंसे थे। तब धोबी बोला, चलो दोनों ही बैठ जाते हैं, जब गधा है तो पैदल क्यों चले। बात लड़के को पसंद आ गई। अब बाप बेटे दोनों गधे पर सवार हो गए। बेचारा गधा, दो जनों की बोझी तो मर गया होगा। ये लोग कुछ ही दूर गए थे कि उनको और तुम्हारे जैसे कुछ लोगों ने देखा। हंसते हंसते वे लोट पोट हो गए। जोर जोर से कहने लगे, अरे भाई ये तमाशा तो देखो। एक बेचारा दुबला पतला गधा और उस पर दो दो आदमी सवार, मार डालेंगे बेचारे गधे को। यही तो मैं कह रही थी। तभी तो बेटा मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे आदमियों ने उनको देखा, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो धोबी और उसके बेटे को बहुत शर्म आई। वे दोनों उतर पड़े। धोबी ने कहा, चलो बेटा अब हम पैदल ही चलते हैं। अब बाप और बेटा दोनों पैदल चलने लगे। कुछ दूर चल पाए होंगे कि फिर कुछ राह चलने वाले लोगों ने उनको देखा। बोले, अरे कितने बुद्धू हैं ये लोग, गधा साथ में है फिर भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। एक ने चिल्लाकर कहा, अरे पागलो, जब गधा साथ में है तो कोई बैठ क्यों नहीं जाता। इस तरह कहकर लोग हंसते हंसते चले गए। धोबी ने कहा, अब क्या करें, जब गधे पर बैठे थे तब भी लोग हंसे थे, जब एक आदमी बैठा था तब भी हंसे थे, दोनों बैठे थे तब भी हंसे थे, जब कोई भी नहीं बैठा तब भी हंसे थे। यानी किसी भी हालत में लोगों को चैन नहीं, सबको खुश करना सचमुच एक मुसीबत है। बेचारा धोबी और बेचारा गधा। एक काम क्यों ना किया जाए बिटिया। क्या? गधे की सवारी को घोड़े की सवारी में क्यों ना बदल दिया जाए। ये कैसे हो सकता है मदारी भैया, क्या गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है? इस पिटारी का जादू सब कुछ कर सकता है। अभी गधे की सवारी को घोड़े की सवारी में बदलता हूँ। तैयार हो जाओ सब लोग घोड़े की सवारी के लिए। Oh.
फौरन छड़ी उठा कर चुनम निकला घर से बाहर। तुम्हारा वही हाल होगा जो उस आदमी का हुआ था जिसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला था। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, सुनाओ ना उसकी कहानी मदारी भैया। आज नहीं, कल। अभी तो मुझको जाना है। नहीं, अभी तो मुझको जाना है। नहीं जाना। अभी तो मुझको जाना है। नहीं। अभी तो मुझको जाना है। लो दोस्तों, मदारी तो चला गया, लेकिन दोस्तों आज मदारी जरा जल्दी चला गया। अभी कार्यक्रम समाप्त होने में थोड़ा समय है, तो क्यों ना एक मजेदार गीत हो जाए। सुनोगे ना? चलो दोस्तों सुनो ये मजेदार गीत। आजा आजा प्यारी चूचू, आजा 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 प्यारी चूचू, आजा आकर दाल का दाना खा जा। प्यारी चूचू आजा आकर दाल का दाना खा जा। प्यारी चूचू आजा, अरे आजा आजा प्यारी चूचू आजा। गाती मीठा गाना, अरे तू है कितनी प्यारी प्यारी गाती मीठा गाना। अपना प्यारा प्यारा गाना आके मुझे सिखा जा, सिखा जा सिखा जा। अपना प्यारा प्यारा गाना आके मुझे सिखा जा। आ जा आ जा प्यारी चूचू आ जा। खुदक खुदक कर कैसे नाच दिखाती, गाल गाल पर खुदक खुदक कर कैसे नाच दिखाती। अपना प्यारा प्यारा नाच आके मुझे सिखा जा, प्यारा प्यारा नाच भी अपना आके मुझे सिखा जा, सिखा जा सिखा जा। आ जा आ जा प्यारी चूचू आ जा। और अब सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।